ये विनीत का घर है शर्मा जी। हाँ आइए ये विनीत सर अपने जाकर अरे शर्मा जी आइए आइए नमस्ते नमस्ते। अरे सब बढ़िया अपना बताइए। अरे सोचिए बड़ा ढेर दिन हो गया था मुलाकात कर ले तुमसे। अरे सही किए मिलने कोरोना वरोना लॉकडाउन का अरे देख रहे हो। मत कोरोना का तो एकदम परेशान हो गए हम लोग सब ठीक। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पापा वो फ्रेंड का फोन आया था तो। अरे शर्मा जी का पैर छुओ। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो बैठो बैठो। और बेटा इस समय क्या चल रहा है? अरे शर्मा अंकल आजकल तो वो एक मिनट कॉल आ रहा। हाँ हेलो। अबे यार यहाँ कुछ नहीं रखा यार। बाहर की दुनिया का लाइफ तूने देखा है कितना अलग है भाई। मैं तो वहीं सेटल होने वाला हूँ। अबे पागल है क्या? आऊँगा ना तुमसे मिलने मम्मी पापा से मिलने। हाँ चल ठीक है मैं रखता हूँ। और बेटा कहाँ जाने की बात हो रही है? कुछ नहीं अंकल वो बाहर स्टडी करने के लिए। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता है? मतलब जब भी तुझे फोन करता हूँ तू हमेशा कॉल वेटिंग पे डालता है। तू फोन क्यों नहीं उठाता है? पापा वो कुछ दोस्तों से जरूरी बात कर रहा था इसलिए मिस हो गया। मेरे से भी ज्यादा जरूरी कॉल था उसके बाद कॉल बैक क्यों नहीं किया? क्या पापा मिलते तो है घर पे। परसों मेरा बीच रास्ते पे स्कूटर खराब हो गया और इसको इतनी बार कॉल किया लेकिन हर बार कॉल वेटिंग में डाल दिया। 2 किलोमीटर दूर था मैकेनिक। इतनी गर्मी में इतनी धूप में मैं पैदल गया लेकिन इसका एक बार भी कॉल नहीं आया। अरे पापा एक सेकंड इसमें कॉल आ रहा है। हे ब्रो व्हाट्सएप। सब क्या सोच रहे हो? पता है यार जब मैं छोटा था ना स्कूल में मेरी बहुत खिंचाई होती थी और मैं रोज रोज रोता रोता घर आता था। पापा समझ जाते थे। मेरा ध्यान भटकाने के लिए वो मुझे आइसक्रीम या बाहर घुमाने ले जाते थे। जब मैं कॉलेज में गया वहाँ भी यही होता था लेकिन तब तक मैं इतना बड़ा हो गया था कि सारी बातें मन में रखने लगा और किसी से कुछ नहीं बताता था। यहाँ तक कि पापा से वो हर तरीका अपना लेते थे कि क्या बात है क्या प्रॉब्लम है लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं बताता था। यहाँ तक कि कई बार मैंने उनके ऊपर गुस्सा उतार दिया। मैं उनकी हर बात को इग्नोर करता था। वो मेरा पैर भी दबाते थे। उन्होंने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन मुझे दिख रहा था कि उनके पैर में दर्द है और वो खुद के पैर खुद से ही दबा रहे थे। मैंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। मुझे कोई हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके जाके पैर दबा सकूँ। सच बताओ तो मुझे शर्म आती थी उनके साथ बैठने में। शर्मा जी सिर्फ एक तस्वीर है हमारी उनके साथ। उस फैमिली फोटो में भी हम दोनों अलग अलग खड़े हैं। एक तरफ मैं घमंडी कॉलेज का लड़का दूसरी तरफ बूढ़े से कुर्सी पे बैठे हुए। अगर उस दिन कोई कोशिश किया होता उनके पास जाके बैठने की उनके पैरों के पास बैठने की तो शायद आयत खैर वो मुझसे बात नहीं करता। पर तुमसे बहुत प्यार करता है वो। अरे तू दिखाए ना मुझे भी पता चले। पर ये कड़वा सच है अपने कर्मों का फल आज ना कल सबको भोगना पड़ता है। जो तूने अपने पिताजी के साथ किया है ना वही काम आज तेरा बेटा तेरे साथ कर रहा है। हाँ उसको एहसास होगा। जब मेरा अचानक से कॉल आना बंद हो जाएगा ना पापा तो रहेंगे फिर सिर्फ कॉन्टेक्ट लिस्ट में। Thank you.